अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ जो कि है जिंजर चिकन बॉल्स विद ग्रीन राइस। मैं हूं जवेरिया हुक्का वाला। चिकन बॉल्स के लिए हम सबसे पहले चिकन ले लेंगे। 250 ग्राम चिकन है, उसके अंदर हम कुछ चीजें शामिल करेंगे जो कि है 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 3/4 to 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। आप यहाँ पे चाइनीज नमक भी डाल सकते हैं। ये है अदरक, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक ली है। 1 छोटी प्याज को मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, मैं 1 एग ऐड कर दूंगी। इन सबको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है कीमे में। अब हम चिकन के जो हमने मैरिनेशन करी है इसको हम इस तरह से बॉल्स बना लेंगे रफली। मैंने हाथ पे ऑयल लगा लिया है ताकि ज्यादा स्टिक ना हो। और यहाँ पे हम एक प्लेट में रख लेंगे। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका। ऑब्वियसली मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है, बट जो भी देख रहे हैं, मुझे कॉमेंट्स करते हैं, सजेशंस दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। आप लोग के कमेंट्स मुझे मिल रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग इसी तरह कमेंट्स करते रहा करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और सेकेंडली मुझे आप लोग के कमेंट्स से न्यू सजेशंस भी मिलती रहती हैं, तो थैंक यू सो मच एंड कीप कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। और मुझे बताते रहा करें आप लोग को कैसी लग रही हैं। इसी तरह से हम चिकन बॉल्स को कम्प्लीट कर लेंगे। बॉल्स बन चुके हैं, अब इनको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी ताकि इनमें थोड़ी हार्डनेस आ जाए। अब बारी है ग्रीन अनियन राइस की, तो उसके लिए हम जो है पहले प्याज को रफली हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे, प्याज और हमारी कैप्सिकम। अब हम राइस के लिए लास्ट चीज जो कट करेंगे वो है स्प्रिंग अनियंस यानी के हरी प्याज, और इसका ग्रीन पार्ट में कट कर रही हूँ। ग्रीन अनियन राइस हमने बॉइल्ड राइस लिए हैं, तकरीबन 1.5 कप बॉइल्ड राइस हैं। इनको मैंने नॉर्मली बॉइल कर लिया जैसे करते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर गार्लिक लूंगी, 2-3 पीसेस को चॉप कर लिया है, और साथ में बहुत सारी हरी प्याज, 1 कप, 1 पूरा बाउल मैं इसके अंदर ले रही हूँ स्प्रिंग अनियंस। और इसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर जाएगी 1/2। तेल मैंने गरम करने रख दिया था और जो हमने चिकन बॉल्स को फ्रिज में रखा था थोड़ी देर के लिए, अब मैं इनको फ्राई करूंगी। बहुत तेज फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे और अंदर से अनकुक रहेंगे। अब हम टर्न करके इनको दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसको पकाएंगे भी। और ये इसी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन करने हैं। जबरदस्त सी खुशबू आ रही है चिकन बॉल्स की, जिंजर की बहुत अच्छी इसमें एक खुशबू आ रही है। चिकन बॉल्स फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। अब हम सी फ्राई पैन में से सारा ऑयल निकाल लेंगे। सिर्फ मैंने ये 1 टेबल स्पून जितना ऑयल रखा है, और हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं दैट इज अनियन एंड कैप्सिकम उसको सॉटे करेंगे। तो स्लो फ्लेम पे नहीं सॉटे करेंगे, तेज फ्लेम पे करेंगे। हमें इसको सॉगी नहीं करना, जस्ट हल्का सा कलर इसका चेंज होगा। अब मैंने चावलों के लिए पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून बटर को मेल्ट किया है, और मैं अपने गार्लिक इसमें ऐड कर दूंगी चॉप हुए हुए। एट दिस स्टेज मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है अपनी हाफ कट की हुई चिकन क्यूब को ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं 1/2 हरी प्याज इसके अंदर ऐड कर दूंगी, नॉट द होल, और इसको सॉटे करूंगी। 1 टीस्पून जितना पानी डाल लूँ, तो लहसुन जल रहा है एंड आई डोंट वांट दिस, तो जरा सा बस पानी डालेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। इसके फौरन बाद मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। वी आर एडिंग राइस इन इट। सारा मसाला इसके अंदर हम मिक्स करेंगे जो हमने नीचे डाला था। अब ये जो मैंने हरी प्याज बचा के रखी हुई है, तकरीबन 1/3 कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बारी है असेंबल करने की, तो हमने ये राइस एक प्लेटर में निकाल लिए हैं, ग्रीन राइस। जो वेजिटेबल्स सॉटे करी हैं इसके ऊपर हम वो डाल रहे हैं। अब नाउ वी आर प्लेसिंग आवर चिकन बॉल्स। इट्स नॉट अ टिपिकल रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। एक
यूनिक डिश है ये। मैंने चिली गार्लिक सॉस से इसको गार्निश कर लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के डिप भी इस पर ड्रिजल कर सकते हैं। डू ट्राई दिस डिफरेंट रेसिपी और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।